नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको जो टॉपिक बताने वाली हूँ वो है कैरेबियन पोइट्री। व्हाट इज़ कैरेबियन पोइट्री और इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री और डेरिक वॉलकॉट के बारे में। ओके, तो व्हाट इज़ कैरेबियन पोइट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैरेबियन रीजन कहाँ पर है ये मैं आपको मैप पर दिखा देती हूँ। जो ये पार्ट है वो कैरेबियन रीजन है। यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज और आइलैंड हैं जिनको कैरेबियन टेरिटरी कहा जाता है। और जो इसके ऊपर का पार्ट है, जो जहाँ पे गल्फ़ ऑफ मेक्सिको है, वो नॉर्दर्न अमेरिका है। और जो नीचे का है वो साउथर्न अमेरिका है। और जो इस रीजन के राइटर्स और जो ऑथर्स हैं उनके वर्क को कैरेबियन पोइट्री और कैरेबियन नोवेल कहा जाता है। और जो कैरेबियन रीजन के अंडर जो कंट्रीज आती हैं वो है सेंट लूसिया, ट्रिनिडाड, जमैका, बहामास, क्यूबा और ऐसी कई सारी कंट्रीज़ है और आइलैंड्स हैं जो कि इसमें आती हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारी लैंग्वेजेस को प्रैक्टिस किया जाता है, जिनमें से इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, डच, फ्रेंच क्रियोल्स और काफ़ी सारे लैंग्वेज है। जब यूरोपियन ने कैरेबियन रीजन को कॉलोनाइज़ किया तो वो अपने साथ अपनी लैंग्वेज को लेकर आए, जिसकी वजह से यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज और क्रियोल्स जो हैं वो बोले जाते हैं। जब यूरोपियन कंट्रीज़ ने कैरेबियन रीजन को कॉलोनाइज़ किया तब वो अपने साथ स्लेव भी लेकर आए। कुछ स्लेव्स अफ्रीका से थे और फिर बाद में वो इंडिया, चाइना और एशिया के रीजन से भी लेकर आए स्लेव्स। जो कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने वहाँ के नेटिव और जो स्लेव्स थे उनको खुद का लैंग्वेज यूज़ करने से मना किया और अपने कल्चर और अपने लैंग्वेज को प्रैक्टिस करने के लिए फोर्स किया, जिसकी वजह से न्यू लैंग्वेज बना जिसको क्रियोल कहते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में से स्पेन, फ्रेंच, इंग्लैंड एंड ब्रिटेन एंड मैनी मोर कंट्रीज जो हैं उन्होंने यहाँ पर आकर रूल किया। और जब उन्होंने रूल किया तो उन अपने साथ वो लैंग्वेज भी लेकर आए। कैरेबियन रीजन में अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो अलग अलग टाइम पे इंडिपेंडेंस मिला उनको यूरोपियन पावर से। धीरे धीरे 19th और 20th सेंचुरी के अराउंड जो स्लेव्स हैं उन्होंने स्लेवरी को अबॉलिश करना शुरू किया। और जो ऑथर्स और जो पोएट्स वहाँ से उभर कर सामने आए उन्होंने अलग अलग लैंग्वेज और खुद के लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की। तो जो इनकी थीम थी पोइट्री की वो क्रॉस कल्चर, पर्सनल आइडेंटिटी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड इनोसेंसी, एग्जाइल एंड रिटर्न टू द मदरलैंड थीम्स पर डिस्कवर्ड बाय द पोएट्स एंड द ऑथर्स। अब जो है वो कैरेबियन पोइट्री के कुछ फेमस पोएट्स हैं वो है डेरेक वॉलकॉट, जो कि इग्नू के सिलेबस में भी है, और कमाऊ ब्रैथवेट, इनके भी पोएम्स हैं, फ्रांसिस विलियम, जेम्स ग्रेंजर, लुइस बेनेट एंड मैनी मोर पोएट्स। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स डेरेक वॉलकॉट। थोड़ा इनके बारे में और इनके पोएम के बारे में जान लेते हैं। जो डेरेक वॉलकॉट हैं वो एक सेंट लूशियन पोएट थे। ये सेंट लूशिया में पैदा हुए थे एंड ही वॉज नॉट ओनली अ पोएट, ये एक ड्रामेटिस्ट, पेंटर और एक फिक्शन राइटर एंड अ प्ले राइट भी थे। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, जो कैरेबियन पोएट्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस पोएट हैं। और जो वॉलकॉट हैं वो जनवरी 1930 में पैदा हुए थे सेंट लूशिया में, और ये 2017 में सेंट लूशिया में इनकी डेथ हो गई 87 ईयर्स की जब ये थे। इन्होंने अपना फर्स्ट पोएम जो है वो 14 ईयर्स ऑफ एज में पब्लिश किया था। ये 1953 में ट्रिनिडाड मूव कर दिए थे एंड ही गॉट ब्रिटिश एजुकेशन। जो सेंट लूशिया है वो फ्रांस और इंग्लैंड के द्वारा कॉलोनाइज्ड हुआ था। और जो डेरेक वॉलकॉट हैं वो ही इज़ अ मैन ऑफ मैनी कल्चर्स, मीन्स जो इनकी जो नेटिव लैंग्वेज थी वो कैरेबियन थी, और इन्होंने जो एजुकेशन लिया वो एक इंग्लिश एजुकेशन, इट मीन्स जब इन्होंने पोइट्री लिखी तो इनकी जो पोइट्री है वो ट्रांस कल्चर जो है उसको रिप्रेजेंट करती है। डेरेक वॉलकॉट के जो दोनों ही ग्रैंड फादर थे वो वाइट थे, और जो दोनों ग्रैंड मदर थे वो अफ्रीकन और वो स्लेव थे। तो इससे पता चलता है कि इनकी जो आइडेंटिटी है वो मिक्सचर ऑफ कल्चर है, इनकी जो नेशनैलिटी है वो ट्रांस नेशनैलिटी है, और इनकी जो पोइट्री है उसमें ये साफ तरीके से दिखता है। इनकी जो फेमस वर्क है वो है ओमेरोस, जो कि 1990 में पब्लिश हुई और इनको नोबेल प्राइज भी मिला 1992 में। फ्रांस और इंग्लैंड ने सेंट लूशिया को कॉलोनाइज किया और इसका इन्फ्लुएंस जो है वो डेरेक वॉलकॉट के पोएम्स में साफ तरीके से दिखता है, और जो ट्रांस नेशनैलिटी है वो भी इनके पोएम्स में अच्छे तरीके से दिखता है। सो जो डेरेक वॉलकॉट के फादर थे वो इनके पैदा होने से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। जो डेरेक वॉलकॉट हैं वो खुद एडमिट करते हैं कि इनके ऊपर यूरोपियन और अमेरिकन कल्चर का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा।
अब इनके कुछ फेमस वर्क्स में से है इन अ ग्रीन नाइट पोएम, द स्टार एप्पल किंगडम, स्पॉयलर रिटर्न, नेम्स, क्रूसोज जर्नल, ड्रीम ऑन मॉन्की माउंटेन, उमेरोस और द फॉर्चुनेट ट्रेवलर, एंड काफ़ी सारे ऐसे इनके वर्क्स हैं जो कि फेमस हैं। अब इन्हीं में से कुछ पोएम्स जो हैं वो इग्नू के सिलेबस में हैं, जैसे कि जो क्रूसो जर्नल है वो इग्नू के सिलेबस में है। तो जो क्रूसो जर्नल है वो डेरिक वालकोट के द कास्टवे एंड द अदर पोएम बुक के कलेक्शन से ली गई है, जो कि 1965 में पब्लिश हुई थी। जो क्रूसो जर्नल पोएम है वो डैनियल डेफो के नोवल रॉबिन्सन क्रूसो का एक रेस्पॉन्स है, और ये नोवल ऑटोबायोग्राफिकल टच में है, जो कि नोवल की सेटिंग है वो पोएम की सेटिंग के बेसिस पे रखी गई है। मीन्स दोनों की जो सराउंडिंग और जो सेटिंग है वो सेम है, और जो नोवल में कैरेक्टर रॉबिन्सन क्रूसो है वो एक ट्रैवलर होता है जो कि एक डेजर्टेड आइलैंड पे जाके रहता है, जब उसकी शिप जो होती है वो ख़राब हो जाती है, और फिर वो वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए बाद में अफ्रीका से स्लेव्स भी लाता है। नोवल का थीम है, उससे ये पता चलता है कि जो ब्रिटिश है वो कहीं भी अपने रोल को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। नोवल में रॉबिन्सन क्रूसो के साथ एक कैरेक्टर और है जो कि फ्राइडे नाम है, और ये फ्राइडे जो है उसको रॉबिन्सन खुद का स्लेव बना लेता है, वो उसको अपना स्लेव बना लेता है, और जो क्रूसो है वो खुद मास्टर होता है। पोएम की जो लाइन का स्ट्रक्चर है वो पोएम की कंटेंट और फॉर्म दोनों को इंटर रिलेट करती है, जैसे कि जो पोएम का फर्स्ट लाइन है वो लॉन्ग है, एंड द सेकंड लाइन जो है वो शॉर्टर है। इट मीन्स जो शॉर्टर लाइन है और जो शॉर्टर लाइन है वो कॉलोनाइज्ड फ्राइडे जो है उसके द्वारा बोला गया, जबकि जो लॉन्ग लाइन है वो मास्टर के द्वारा बोला गया है। मीन्स जो फ्राइडे है वो शॉर्टर सेंटेंसेस बोलता है क्योंकि वो अपने मास्टर के लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करते हैं, और जब वो उसके लैंग्वेज और वो जब उसके लैंग्वेज को सीखता है तो वो कम वर्ड्स को यूज़ करता है टू मेक अ शॉर्टर सेंटेंस। और पोएम में कई बार रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड्स को यूज़ किया गया, जैसे कि क्रिस्टोफर की स्पेलिंग और जो एज की स्पेलिंग है वो गलत दी गई है, क्योंकि इससे ये मेंशन करता है कि जो अपने मास्टर की वो लैंग्वेज एक्सेप्ट किया है तो उसने उस लैंग्वेज को जस्ट सेम एक्सेप्ट नहीं किया है, बट उसमें चेंजमेंट उसके स्टाइल और उसके सेंटेक्स में चेंजमेंट के साथ उसको एक्सेप्ट किया है, जैसे कि क्रियोल लैंग्वेज होता है। तो जो पोएट है वो ये दिखाना चाहता है कि जो कैरिबियन राइटर हैं वो जब न्यू प्लेस और न्यू कंट्री में जब जाते हैं और जब न्यू लैंग्वेज को अडॉप्ट करके अपनी पोइट्री को लिखते हैं, डिफरेंट तरीके से उस चीज़ को लिखते हैं। ये पोएम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है, और जो पोएम का फर्स्ट पैराग्राफ है वो रॉबिन्सन जर्नल जो नोवल है उसका एक्सट्रैक्ट है, उस नोवल से ये फर्स्ट पैराग्राफ उठाया गया, जिसमें कि जो एक्सट्रैक्टेड एपिग्राफ है उसमें क्रूसो कहता है कि ही इज़ फीलिंग एलिनेटेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड, वो खुद को डिसकनेक्ट फील करता है इस वर्ल्ड से और वो अकेला है, और यही चीज़ आगे जाकर जो पोएम है उसमें पोएट ने कहा है, इसी थीम को जो लोनलीनेस है इसको डिस्क्राइब किया है। वालकोट इन द स्टार्टिंग ऑफ द पोएम रिप्रेजेंट्स सराउंडिंग, वो सराउंडिंग को पहले रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक हाउस है जो कि फॉरेस्ट और ओशियन के बीच में है, और जो क्रूसो है वो न्यू वर्ल्ड का एडम है, मींस जो एडम जो बाइबल में है वो पास्ट और बिब्लिकल, मींस जो क्रूसो है वो न्यू वर्ल्ड का एडम है जो कि इस वर्ल्ड को और सराउंडिंग को ऑब्जर्व करता है और उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है अपने आसपास के सराउंडिंग्स को, और वो उनको अडॉप्ट करके नई चीज़ों को और जो प्रोज लिखते हैं जो पोइट्री लिखते हैं उसको लिखने की कोशिश कर रहा है अपने आसपास के सराउंडिंग्स को लेकर। जो नोवल है उसमें वो अपने आसपास की चीज़ों को इकट्ठे करके सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। इन द सेम वे पोएम में जो आसपास की सराउंडिंग है उनको और उसके लैंग्वेज और स्टाइल्स को इकट्ठा करके वो एक प्रोज और पोएम लिखने की कोशिश कर रहा है। सो बोथ द थिंग्स आर इन कंट्रास्टिंग, एंड दिस ऑल्सो मीन्स दैट जो कैरिबियन पोएट थे, जो कैरिबियन ऑथर थे, वो न्यू जगह के नई चीज़ों को अडॉप्ट करके अपनी पोइट्री और अपने लिखने के स्टाइल को चेंज कर रहे थे। पोएम में वालकोट ने तीन मेन आस्पेक्ट्स को मेंशन किया है। फर्स्ट जो है वो है क्रूसो, जो कि नोवल से लिया गया है और एक लिटरेरी आस्पेक्ट है, और सेकंड जो है वो बिब्लिकल और माइथोलॉजिकल है, जो कि
जो कि एडम का मेंशन किया है इसमें, और उसके बाद फिर पोएट ने क्रिस्टोफर कोलंबस का मेंशन किया है जो कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और जो क्रिस्टोफर कोलंबस है वो एक इटालियन एक्सप्लोरर था। पोएम में पोएट ने वी मेक हिज लैंग्वेज आर्ट्स और हिज प्रेज ऐसे करके लिखा है, और आवर मास्टर्स ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया है विच मीन्स कि जो हिज प्रेज है, जो हिज है वो मास्टर के लिए यूज़ किया है, मीन्स जो क्रूसो है, जो कि क्रूसो है, और जो आर आवर मास्टर लिखा है वो आवर वो स्लेव्स के लिए है, और जो कि फ्राइड है वो एक स्लेव है वो उसके लिए कहा गया। और इसमें ये पोएट कह रहा है कि जो हमें अपने मास्टर के लैंग्वेज को और चीज़ों को अडेप्ट करने चाहिए, उनके लैंग्वेज को हमें खुद का लैंग्वेज बनाना है और उनका जो रिलीजन है उसको अडॉप्ट करना है। मीन्स कि जो नेटिव्स हैं वो कंट्रास्टिंग में है और उनको इंग्लिश लैंग्वेज को अडॉप्ट करने को कहता है, और जो वालकोट पोएम में नेटिव्स को गुड फ्राइडे में कन्वर्ट होने के लिए कहता है, और जो गुड फ्राइडे है वो क्रिश्चियन धर्म को रिप्रेजेंट करता है, विच मीन्स कि उनको अपना खुद का आइडेंटिटी और रिलीजन को छोड़ देना चाहिए। और जो पोएम में फ्राइडे कैरेक्टर है वो भी खुद को एक स्लेव में कन्वर्ट कर लेता है क्रूसो के लिए। जो मास्टर क्रूसो है वो एक प्रोटियस है, और जो यहाँ पर प्रोटियस का मेंशन है वो एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, और एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर से क्रूसो को कंपेयर किया गया है बिकॉज ही हैज़ द एबिलिटी टू चेंज हिज फॉर्म एंड डिफरेंट पर्सनैलिटी लाइक ही इज़ अ कास्टवे। वो एक डिस्कवरर भी है, वो एक लिंग्विस्टिक भी है, और वो एक मिशनरी भी है। वो अलग अलग फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है अलग अलग टाइम पे। यहाँ पर ये जो क्रूसो की क्वालिटी है वो ये दिखाता है कि जो क्रूसो है वो एक कॉम्युनल और इंडिविजुअलिस्टिक दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स वो अपनी खुद की आइडेंटिटी और जो कॉम्युनल सोसाइटी की आइडेंटिटी है उन दोनों को ही वो अपने साथ लेकर चल रहा है। जो सेकेंड स्टैंजा है उसमें भी पोएट ने सेम थीम को रिप्रेजेंट किया, रिकॉल्स चाइल्डहुड, वो चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस और रीडिंग्स को रिकॉल किया। सेकंड स्टैंजा में भी मेंशन है बट इन अ डिफरेंट वे। नॉवल में पोएट ने जो चाइल्डहुड नॉवल्स होते हैं उसके ऑथर्स और उसके राइटर्स को मेंशन किया है इन अ ब्रैकेट, जो कि एक सेंस ऑफ फॉरगॉटन इमेज को रिप्रेजेंट करता है और पास्ट और प्रेजेंट मीन्स चाइल्डहुड और एडल्टहुड को कंट्रास्ट करता है। मीन्स जो लोनलीनेस है वो चाइल्डहुड में भी थी और जब एडल्टहुड आ गया है वो जो लोनलीनेस है वो इनहेरिट होकर एडल्टहुड में भी आ गई है। नाउ जो नोवेल का लास्ट स्टैंजा है जिसमें वालकोट ने पोएटिक क्राफ्ट को एक पॉटर के आर्ट से कंपेयर किया है, मीन्स जैसे कि एक पॉटर होता है मिट्टी के अलग अलग शेप देता है, वैसे ही उसने एक पोएट से कंपेयर किया है कि वैसे ही एक पोएट अलग अलग वर्ड्स को एक नए लैंग्वेज का शेप देता है जिसको हर्मिट कहते हैं। और पोएट ये भी कहता है कि एक पोएम लिखने के लिए ही हैज़ टू बी अलोन एंड एलिनेटेड, और इसका मेंशन बेन गुल पायरेट जो है उसका मेंशन करके बताया है कि उसको उसके साथियों ने एक आइलैंड पर छोड़कर चले जाते हैं। तो पोएट बताता है कि पोएम को लिखने के लिए पीस ऑफ माइंड और सॉलिट्यूड की काफ़ी ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से जो क्रिएटिविटी है वो पोएम में आती है, और बिना क्रिएटिविटी के एक पोएम लिखना इम्पॉसिबल है। सो पोएट जो है वो मेंशन करता है कि वी लर्न टू शेप फ्रॉम देम, तो जो यहाँ पे वी है जो स्लेव्स हैं कॉलोनाइज उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो यहाँ पर देम है वो मास्टर के लिए यूज़ किया गया है क्रूसो के लिए। जो फ्राइडे है वो क्रूसो की लैंग्वेज को अडॉप्ट करके उसको एक न्यू शेप और न्यू सेंटेक्स में बदल देता है जो कि एक नया ही लैंग्वेज बन जाता है। पोएट जो है वो कहना चाहता है कि एक पोएम लिखने के लिए मेडिटेशन और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। जो पोएम है उसमें वेस्ट इंडियन आर्टिस्ट को एक शिप व्रैक पोजिशन में रिप्रेजेंट कर रहा है। पोएम के सेकेंड पैराग्राफ में लोनलीनेस के बारे में बात की थी, वही चीज़ पोएट ने थर्ड पैराग्राफ में भी रिप्रेजेंट किया है कि जो लोनलीनेस है वो एडोल्सेंट के साथ ग्रो होती है, और ये जो है एक एलिनेशन की फीलिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बेसिकली जो ये पोएम है इसमें पोएट ने काफ़ी सारे एग्जांपल्स का यूज़ किया है, इसमें मिथोलॉजिकल लिटरेरी और हिस्टोरिकल एग्जांपल्स और जो चाइल्डहुड के एडवेंचरस बुक होते हैं उसके राइटर्स के एग्जांपल्स भी लिए हैं। तो इसमें पोएट यही कहना चाहता है कि एक जो राइटर होता है, एक जो पोएट होता है, उसको अपने आसपास के सराउंडिंग से नए नए वर्ड्स को सीखता है कि एडम ने अपने आसपास की चीज़ों को नेम किया और उनको एक्सपीरियंस किया खुद से, वैसे ही एक पोएट को अपने आसपास की चीज़ों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, और उससे एक पोएट्री को लिखने की कोशिश करता है।
तो ये जो पोएम है यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।